प्रतिदिन रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ हम करते हैं और रामचरितमानस को पूजते हैं, सबको असंख्य हिंदुओं के सनातन धर्मियों के आस्था का विषय, ये राजनीति का विषय नहीं है। मानस भगवान राम को समझने वाला पात्र चाहिए। ये नकली राम भक्त और रामचरितमानस का जो पाठ करने वाले नए नए राजनीति इस पर चमकाने वाले लोग बीजेपी के बने हैं। भगवान राम रोम रोम में कन कन में है। बिहार में रामचरितमानस को लेकर के विवाद शुरू हो गया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया, अब उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि कई आरजेडी के नेता जैसे कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं, चंद्रशेखर सिंह बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। क्या बीजेपी कोई खेल कर रही है या आरजेडी कोई खेल कर रही है? इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, आपको विश्वास है? प्रतिदिन रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ हम करते हैं और रामचरितमानस को पूजते हैं, सबको विश्वास है। आप भी पूछते हैं कि आपकी पार्टी भी पूछती है? देखिए, हमारी पार्टी भी पूछती है और हमारी पार्टी भी भगवान राम को रामचरितमानस में आस्था रखती है। ये करोड़ों असंख्य हिंदुओं के सनातन धर्मियों के आस्था का विषय, ये राजनीति का विषय नहीं है। तो आप ही के पार्टी के नेता हैं, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हैं, अभी आपकी सरकार हो गई, तो ऐसा विवादित बयान क्यों दिया उन्होंने? यही हमने कहा कि रामचरितमानस भगवान राम को समझने वाला पात्र चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहीं कोई ऐसी बात रामचरितमानस को लेकर, भगवान राम को लेकर नहीं कही है। राम को लेकर नहीं कही, लेकिन रामचरितमानस को लेकर कही है। उन्होंने कहा जो चौपाई में जो लिखे हुए थे, कुछ चौपाई में पंक्ति, उसको लेकर उन्होंने कहा। अब उसका अर्थ तो अलग अलग लोग लगा रहे हैं, तो आधा गिलास पानी भरा है, आधा गिलास पानी खाली है, ये अपना अपना व्याख्या है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने कई बार सफाई दे दी कि हमने भाई रामचरितमानस पर नहीं, हमने कुछ पंक्ति पर सवाल खड़े किए। ठीक है, तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है, उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं, तो इसमें कहां आप लोग फंस रहे हैं, क्यों ऐसा विवाद? ये बीजेपी का नहीं, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप बीजेपी वंचितों गरीबों शोषितों पीड़ितों, यही लड़ाई ना है? धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, ये यूएसपी है समाजवादियों की। और समाजवादी हमारे राम मनोहर लोहिया जी से बड़े राम भक्त कौन होंगे? वो तो रामायण मेला लगाते थे, रामायण का पाठ करवाते थे, गांव गांव में लोगों को जागरूक करते थे। ये नकली राम भक्त और रामचरितमानस का जो पाठ करने वाले नए नए राजनीति इस पर चमकाने वाले लोग बीजेपी के बने हैं, इनको अब भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे। नीतीश तेजस्वी राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, भगवान राम उन्हें माफ नहीं करेंगे, वो बनवा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आखिर लड़ाई लड़ी ना, कौन लड़ी लड़ाई? ये सब कॉपीराइट रामचरितमानस पर बीजेपी का और भगवान राम पर है क्या? भगवान राम रोम रोम में कन कन में है, ये तो कभी भगवान राम के नाम पर, कभी रामचरितमानस के नाम पर, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी गौ माता, कभी गंगा माता, और कभी मंदिर मस्जिद। मुद्दा है नीतीश तेजस्वी सरकार का बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ाना, 2024 की बड़ी लड़ाई की तैयारी। हमारे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कार्रवाई आप लोग नहीं कर रहे, ना ही सुधाकर सिंह पर कर रहे हैं, ना ही चंद्रशेखर जी पर कर रहे हैं। किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजों का ख्याल और संज्ञान हमारे पार्टी के नेता को है और सब लोगों को पता है कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, न बीजेपी के साथ गए। और आदर नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके जब नीतीश कुमार जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये खतरनाक डिजाइन हानिकारक है देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, तो मिल करके जो संदेश बिहार से निकला वो पूरा देश देख रहा है, इससे भटकना नहीं है हमें। तो आगे नीतीश कुमार जाएंगे, मतलब योग्य उम्मीदवार हैं, क्या लगता है 24 की लड़ाई में उन्हें चेहरा बनाया जाएगा? आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे योग्य उम्मीदवार पीएम पद के लिए हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही कई बार कह दिया कि उन्हें पीएम के रेस में उनका नाम, उनको खुद ही अलग कर लिया, और उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी मिल करके 24 की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं,
और इधर उधर की बात करके लोग अगर असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। रोजगार का मुद्दा है, किसानों का समस्या है, बिहार को वाजिब हक दिलाने का बात है, देख रहे हैं काम किस तरह हो रहा है सरकार में। बीजेपी तो असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती। देखिए रामचरित मानस को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था, अब उसके बाद प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई, लेकिन कार्रवाई कब आरजेडी करेगी अभी भी ये सवाल बरकरार है, चाहे वो सुधाकर सिंह हो या फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं। देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।